जनाब, वेलकम टू टाइम आउट विद एहसन खान। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग खैर खैरियत से हैं, हर जगह सुकून है, आराम से अपने घरों में बैठे हुए हैं और मेरा शो देख रहे हैं। जनाब, एक फैक्ट जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, मुझे पढ़ के हैरत हुई एंड आई एक्चुअली रिसर्च के इज दिस ट्रू। ब्राज़ील में एक इलाका है, उसकी आबादी ज्यादा तो नहीं, छोटी है, लेकिन वहां के तकरीबन 80% लोग ट्विन्स हैं, यानी के 80% लोग जुड़वा हैं। यार इस पे तो बजता बजाना, ऐसा और कहीं नहीं है। और ये क्यों है? आपको 90 साल के बूढ़े भी ट्विन्स मिलेंगे, आपको बच्चे भी ट्विन्स मिलेंगे। आई वाज सरप्राइज्ड यार, ऑल्दो आई हैव अ ट्विन, मेरा भी ट्विन है, पर मुझे बड़ा फैसिनेट करता है ये कि ट्विन्स यार, आप देखें वहां पे 80%। कुछ लोग कहते हैं कि उस इलाके का पानी ऐसा है कि वहां पे ज्यादा ट्विन्स पैदा होते हैं, बट आई हैव टू रिसर्च कि ये इलाका कहाँ है और ऐसा क्यों होता है। जनाब, कभी कभी आप एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं कि आपकी शक्लें मिलने लग पड़ती हैं या फिर आपकी आदतें मिलने लग पड़ती हैं। और हमारी फील्ड में कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो इतने क्लोज होते हैं, इतने प्यारे होते हैं, इतने एक दूसरे के साथ होते हैं कि हमेशा थ्रू थिक एंड थिन एक दूसरे के साथ चलते हैं। तो आज जो हमारे मेहमान यहाँ पे आ रहे हैं वो आपके हमारे सबके फेवरेट हैं। कुछ अरसे से हमें स्क्रीन पे दिखाई नहीं दे रहे, हम उनसे पूछेंगे कहाँ गायब हैं। आप भी बहुत से सवाल करना चाहते हैं, यकीनन आपको बातें सुन के मजा आएगा, लेकिन उनसे मुलाकात होगी एक ब्रेक के बाद। तो देखते रहिए टाइम आउट विद एहसन खान। वेलकम बैक टू टाइम आउट विद एहसन खान। और मैं आपको ब्रेक पे जाने से पहले कहा था कि ज्यादा देर आपको इंतजार नहीं कराएंगे, मिलवाएंगे आपके हमारी फेवरेट गेस्ट। हमारी निकल गया, हालांकि दोनों हमारी नहीं है, एक हमारी और एक हमारा है ऑब्वियसली, लेकिन हमारी इसलिए निकल गई कि वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेवरेट है सबकी, और मेरी तो बहुत फेवरेट है क्योंकि मैंने तो उनके साथ जब काम किया, हुस्न जहां उनका नाम था, और मुझे तो आज तक लाइक उनकी जो ड्रामे में जो हुस्न जहां का कैरेक्टर था वो तो मेस्मराइजिंग था, लेकिन वो रियलिटी में भी उतनी ही मेस्मराइजिंग है, लेकिन आजकल मुझे नजर नहीं आ रही। मैंने बहुत मुश्किल से ढूंढ के उन्हें कहा कि बेवफा दोस्त कहां चली गई हो, और फिर वो यहां पे हाजिर हुई और हमारे साथ है। प्लीज वेलकम कुब्रा। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? मैं बेवफा नहीं हूँ। तो मतलब कितनी देर होगी अलिफ किए हुए? दो साल बाद। उसके बाद एक दफा हेलो, उसके बाद हमने कमर्शियल भी की थी साथ में। उसको कितनी देर होगी? एक साल बाद। उसके बाद आपने मुझे कब मैसेज किया? मुझे लगा मैंने एक फिल्म का स्क्रिप्ट भेजा था जिसपे बिल्कुल ही गायब हो गई उसके बाद। इतना बुरा लगा फिल्म का स्क्रिप्ट। नहीं याद? नहीं, मुझे भेजा था। बैठिए। I'm good, how are you? Good to see you. Good to see you too. After a long time, because हम लोगों की गपशप नहीं हुई। हाँ जी, अभी मुलाकात कहीं पे देखते रहते हैं हम तो, नजर आते हैं, गपशप नहीं हुई। बिल्कुल। कैसा चल रहा है सब? बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। फिट 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 फिट। किसके साथ चल रहा है? किसी के साथ नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। कल्ले कल्ले खुश। मेरा मतलब था प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट सीधा सीधा पूछो ना। प्रोजेक्ट ना, अभी दो दो प्रोजेक्ट चल रहे हैं साथ-साथ में, अभी कर रही हूं मैं, सो आई एम एक्साइटेड। हम टीवी के साथ चल रहे हैं, खुश। पता नहीं कुब्रा किस चीज की बात कर रही है। आई नो यू टू वेल एसन, दैट्स व्हाई। मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, मैं कभी-कभी सीरियस बात भी करता हूं, लोगों को लगता है कि जरूर कोई ऐसी कॉल। अच्छा, नेक्स्ट गेस्ट जो है वो कुब्रा की तो बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, और क्योंकि कुब्रा सबसे ज्यादा मतलब उनसे बातचीत करती हैं, और हमें भी कभी कुब्रा को ढूंढना तो हम उनको भी ढूंढ लेते पहले कि चलो इस बहाने से कुब्रा मिल जाएगी, तो उनको बुला लें। बुला लें। प्लीज वेलकम गोहर। आप तो इतने अच्छे दोस्त, आप मिलेंगे नहीं उनसे? एसओपी का ख्याल रखेंगे, आपने नहीं रखा। थैंक यू। नहीं नहीं रखा, हमने हमने ऐसे किया था। नहीं आप अच्छा ठीक है, दूर 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 से। जी जी। कोई बहुत अच्छा दोस्त है तो उनकी शक्लें मिलने लग पड़ती हैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। वो
मैं बताता हूँ, इनकी जो बेगम है फातिमा, ठीक है ना, मैं उसको बहुत छोटा था और मैंने इनकी शादी में डांस किया, हर शो में लगी कहानी, ठीक है ना, मैं लिटरली मैं लड़की वालों की तरफ से था, हाँ मैं लड़की वालों की तरफ से था और मैंने इनकी शादी पे डांस किया, ठीक है, वो दोस्तों में नहीं होता, वो मियां बीवी में होता है कि शक्लें मिलना शुरू होती है। इस बात का मतलब मैं अभी सोचूंगा कि बात का मतलब क्या था लंबा, कि जहां कहीं मुझे मिल जाए तो वहां पे ये बात जरूर याद दिलाता कि मैंने अहसन भाई, अहसन मैंने आपकी शादी पे डांस किया था, मैं बहुत छोटा था जब मैंने आपकी शादी में डांस किया, इतना छोटा नहीं था, ये इतना ही था कि ये मैं बोलता हूं कि मैं छोटा था, कब छोटा था यार, अच्छा एक मिनट, जो मेहंदी पे गर्ल्स एंड बॉयज डांस करते हैं वो के बच्चे होते हैं यार, नहीं बच्चे नहीं, लेकिन कल का भी कह दो तो कल से तो, लेकिन अर्ली 20s टाइप सीन था, अर्ली 20s टाइप सीन था, नॉट रियली छोटा, हां हां I was also in my like teens. No, no, no. अब कितना बंदा, मतलब कितना? अच्छा क्या हो रहा है भाई गौहर, आजकल क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस अल्हम्दुलिल्लाह काम शाम हो रहा है. मतलब क्या? What project are you do? You were shooting for something, some film these days. I was, but due to COVID, वो थोड़ी सी postpone हो गई है. ठीक है. जिसपे मैं और कुब्रा हम दोनों ही हैं. लंडन नहीं जाऊंगा, तो वो ये कौन सी है, तो वो ड्यू टू मी लाइक द सिनेरियो जो है अभी पेंडेमिक, कितना काम हुआ उसका, कुछ काम शूट हुआ अभी, 50% हुआ, 50% रहता है, नहीं योर वर्क, हाँ माय वर्क इज डन, लेकिन द मूवी ओवरऑल वो 60% तकरीबन हो गई है बस, हाँ 40% रहती है, बट वो ऑब्वियसली कोविड की वजह से हमें पोस्टपोन करना पड़ा। अच्छा, डू यू गाइस थिंक कि फिल्म्स में इतने इन्वॉल्व हो गए सारे एक्टर्स कि टीवी कुछ देर के लिए निगलेक्ट हो गया था, ऐसा हुआ है? कुब्रा का तो कोई प्लान ही आया 2 साल के बाद से, हाँ लेकिन वो आई मीन दैट्स माय वियर्ड चॉइस, मैं खुद एक साल में एक करती हूँ एग्जैक्टली, लेकिन मेरा प्रॉब्लम ये था कि मैं एक्चुअली एक स्क्रिप्ट है जो अभी इस साल करने वाली हूँ उसका इंतजार कर रही थी, तो वो आगे होती होती ऐसी बहुत सी चीजें जो आगे होती चली गई, आई नो एग्जैक्टली, कुछ फिल्में भी थी जो आगे होती चली गई, सैफी भाई वाली, अच्छा वो फिल्म पता नहीं आगे चली गई या पीछे चली गई, मुझे उस फिल्म का नहीं पता, पता नहीं कहीं चली नहीं गई कंप्लीटली, आई डोंट नो, आई हैवंट हर्ड ऑफ इट। तो ड्रामा कौन सा हो रहा है? एक ड्रामा है, I can't name it right now because my producer is very. But you're doing another film also, na? With the other Gohar. Oh, the other Gohar. Yes, I am. I'm doing a movie called Abhi. तो उसमें काफी, it's a good story as well. तो कश्मीर के बारे में बहुत बताया। अच्छा, मुझे लगा कुब्रा अब पहले ज्यादा नजर आती थी, अब कम नजर आ रही कुछ अरसे से, यानी काम क्योंकि कोविड की वजह से बहुत से काम अचानक से थोड़े रुक गए, उसकी वजह से आपकी जो प्लानिंग होती है वो थोड़ी सी चेंज रहती है, राइट? ऐसा ही है, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, जहां पे मेरा साल, आई मीन इस साल के एंड तक कम्प्लीटली, इवन यू, हम कम्प्लीटली बुक थे, कोविड की वजह से लाइक ऐसा स्टॉप आया, एंड देन क्योंकि फिल्म्स पर लोगों ने इन्वेस्ट भी नहीं किया ना कि यार अब फिल्म्स कंप्लीट करेंगे तो फायदा क्या गया, एग्जैक्टली, आई मीन लंदन नहीं जाऊंगा, एंड देन ऑब्वियसली अभी, एंड देन आई हैड टू अदर मूवीज जो इस साल शूट होनी थी, होनी थी, लेकिन ऑब्वियसली, एंड देन आई हैड टू ड्रामास एज़ वेल, लेकिन अभी चलो we're resuming back now, so you're working back on TV, oh yes definitely, of course, aur haan ji aapne to beech mein 2-3 maine plays dekhe hain bade maze maze ke, हाँ मैं तो करता रहता हूँ काम, हाँ लेकिन अभी कोई ऐसा स्पेशल काम, कोई स्पेशल रोल जो हो रहा है कि गौहर ये बोले कि यार ये मेरा कैरेक्टर जो ना आप लोगों ने मिस नहीं करना, यू हैव टू सी दिस कैरेक्टर, वो भी अगेन एक स्क्रिप्ट है जिसका वेट बहुत अरसे से हो रहा था, अभी अभी शुरू नहीं हुआ, वो अभी शुरू नहीं हुआ, ओके, सो उसके लिए थोड़ी सी ट्रांसफॉर्मेशन भी होगी, फिजिकल नहीं बस मैं फेशियल थोड़ा सा मैं ट्रांसफॉर्मेशन होगी, फिजिकल तो यहाँ पे अफोर्ड नहीं हो सकता, हाँ ऐसा हो भी जाता है, कौन करता है, नहीं कुछ कर लेते हैं, कॉल सोच रहा हूँ, बट पीपल डू ट्राई हार्ड ना, इंडिविजुअली इन देयर ओन इंडिविजुअल कैपेसिटी यस, बट लाइक जनरली ड्रास्टिक चेंज नहीं होता, हाँ इतना ज़्यादा कोई मैसिव नहीं, बट यू शुड बिकम एन एग्जांपल फॉर अस, सो फॉर यू गाइस, यस I'm a junior, you are a senior, you should become Come an example on, man, for me. Log, age doesn't matter. Yeah, doesn't matter. The point is ki juniors bhi ekdam se koi aisa kar dein ki seniors bhi sochna pade, yaar ye is ladke ne boliya, humne bhi karna hai ye. Ye hota hai yaar, log, we learn all the time, we learning. Kyun naye log achhe kaam nahi kar sakte yaar? Nahi, bilkul kar sakte hain, bilkul kar sakte hain. Aur kar bhi rahe hain mere khayal se. Theek hai. Kya zyada achha kaam kar rahe hain naye log? Haan? Zyada achha kaam kar rahe hain naye log? Haan, haan. Kya kehna chah rahe hain? Bahut zyada achha kaam kar. Jaise ki
नए लोगों में सभी अच्छे हैं यार, सभी अच्छे हैं। मतलब खुद ही क्वेश्चन पूछ के खुद ही सभी अच्छे कुछ तो बोलना, आंसर ना देना, नाम ना देना, बोल ले यार, बोल ले, सब अच्छा, हाँ सब अच्छा काम कर रहे हैं, बस नाम नहीं लूंगा लेकिन सब अच्छे हैं, हाँ सब अच्छे, हाँ सब अच्छे, जनरलाइज कर दे। अच्छा ठीक है, अच्छा मुझे ये बताओ, वो भी अच्छा है, वो भी अच्छा, वो भी अच्छा, वो भी अच्छा, वो भी अच्छा। कुबरा सोच रही है कि गौहर वाले सवाल अगर मुझसे ऐसे करेगा तो मैं क्या जवाब देती। नहीं अच्छा ठीक है, अच्छा मुझे ये बताओ दोनों की दोस्ती यानी इतनी एक ऑब्वियसली दोस्ती होना बिल्कुल सही है, लेकिन इतनी ज्यादा दोस्ती कनेक्शन किस तरह हुआ कि आपस में मतलब बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन गई, कैसे? Actually, you know what? I'm going to be very real about this. Okay. I think हर किसी की ज़िंदगी में एक वक्त आता है जहाँ पे everybody goes through hard time. तो it just happened कि in his hard time I was there, in my hard time he was there. So that made the bond go even stronger. Right. Yeah. So how come वो hard time दोनों पे एक ही वक्त में आया? जिस तरह लाइफ हैपेंस, यू नो, जिस तरह जिंदगी के अंदर चीजें होती हैं। नहीं मैं जानना चाहूँ गौहर के पास ऐसा क्या मतलब ही सो इज ही वेरी केयरिंग, वो आई मीन गौहर इज लाइक दैट ना, बहुत ख्याल रखता है, बहुत अच्छा है, इसलिए दोस्ती हो जाती है इससे। या एक तो ये है, ऊपर से ही ट्राइज टू कीप इट एज रियल एज पॉसिबल। मैं एक अच्छा इंसान हूं, इज दैट सिंपल एज दैट। हां बाकी तो अच्छे हैं ही नहीं, मतलब कोबरा तो एक अच्छा इंसान नजर आता है मेरी बात सुने। आपकी दोस्ती हुई? कुबरा फेवरेट एक्टर कौन है इस फील्ड में, कि पांच लड़कों के नाम लेने जो बहुत अच्छे हैं? फहद मुस्तफा, आई लव दैट गाय टू बिट्स, ओह सॉरी हिम, क्या पहला नाम गौहर का क्यों नहीं था? नहीं, अच्छी दोस्ती का सबूत। Exactly, we can just say it's like whatever. तंग कर रहा हूँ यार, ऐसे तंग कर रहा हूँ। अच्छा, so Fahad Mustafa, you and I'm not saying it because you guys are in front of me, but genuinely speaking. हमारे अलावा चलो, हमारे अलावा पांच। नहीं नहीं, एक मिनट उसको पूरा करना। आप दोनों के अलावा? बोल बोल। आप दोनों के अलावा फिर? हाँ, हम दोनों के अलावा। Fahad Mustafa, I think he's a fantastic actor. Imran Ashraf is a great actor. Zahid. काम का और किस चीज का यार? स्पेसिफिक इज गुड। काम का सिलसिला मेरा बहुत सारी मम्मी खवातीन के साथ रहा, और बहुत अच्छी अच्छी खवातीन के साथ रहा। फेवरेट कौन है उन सब में से? सॉरी असल आई डोंट थिंक ही मेंशन खवातीन, आई डिडंट इवन से खवातीन, आई जस्ट सेड किन डायरेक्टर हो सकते थे, प्रोड्यूसर हो सकते थे, हीरोज हीरोइंस कोई भी। मेरा काम का सिलसिला बस बड़ी अच्छी खवातीन के साथ रहा। हां क्योंकि सबसे ज्यादा ऑब्वियसली आई नो मैन के साथ होता है। नहीं आई नो, सबसे ज्यादा आई नो। हां जब This is God. Oh, kulhadi. अच्छा अपना अभी तक जितना काम कर चुके उसमें अपना फेवरेट कोई ऐसा काम जो याद हो गया, यार दिस वर्क सॉर्ट ऑफ इसने मुझे रिकॉग्निशन दी, या इस काम से मेरा थोड़ा सा जो है जो मैं चाहता था वो हुआ, कोई ऐसा? नन रियली, लाइक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम द वन थिंग दैट आई हैव लर्नड द हार्ड वे इज दिस, के आपके सिर्फ बस में सिर्फ आपकी हार्ड वर्क है, आप ना 100% दें, उसके बाद उस रिजल्ट का वेट ना करें, ना एक्सपेक्ट करें, वो छोड़ दें। तो इसीलिए अगर कभी अल्लाह का शुक्र, अगर कभी कोई चीज अप्रिशिएट भी हो जाती है और कभी नहीं भी होती, ठीक है, नहीं भी होती। लेकिन कोई जो बहुत ज्यादा अप्रिशिएट हुई है वो एक होती है ना कि आपके चार काम में से एक चीज आपके दिल के जरा ज्यादा करीब हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका कोई काम
शायद उतना appreciate ना हो, लेकिन you like it very much. इस बात को याद रखिएगा. सैफी भाई तो एक शहजादे आदमी है, बट कुबरा इतनी प्यारी है और स्क्रीन पे इतनी अच्छी फ्रेशनेस लेके आई थी है कि इसको देखने के लिए मैं ड्रामा बहुत दफा देखा. टू बी ऑनेस्ट, टाइम ना मिलने के बावजूद मैं तो इस बात में कहने में कोई मुझे वो नहीं है. अलिफ, मैं बहुत अच्छी लगी कुबरा की परफॉर्मेंस यार. आज भी मुझे लोग सीन टैग करते हैं कुबरा. मुझे भी वो एक क्रेजी लेवल ऑफ एक्टिंग. अलिफ लाइक काम और एप्रिसिएशन के अलावा, I mean, it's no secret that it was such a growth for myself, like internal growth for myself, because I felt like jab main husne jahan ke andar main dive kiya, to it took me a long time to come out. Mujhe yaad, aapko yaad hoga ki pehlaj ko thodi si chot lagti thi, to mujhe lagta tha ki mera bachcha hai wo actually. So I feel like main actually uske andar bahut engrossed ho gayi thi. Script mein kuch magic tha, Haseeb bhai ki pure kaam mein kuch magic tha. Exactly. You just, it was like all smoke around you, you know, exactly. We got into it, exactly. In a strange way, exactly. Anyway, family oriented Kubra bahut zyada hai, because she's always talking to her mother. Maine Kubra ka phone bajte hue agar dekha to sirf ek shakhs ka bajte hue dekha, wo iski walda ka. Is ladki ko koi aur phone nahi aata iski zindagi mein, aur koi nahi hai. Mujhe koi phone nahi karta. Tab to Gohar bhi shayad acha dost tha, ki ab to ye kar leta hoga 4-6 phone, lekin usse Gohar ka bhi phone nahi bajta tha. Ammi sham ko, phir ammi, phir raat, bas. अम्मी से क्या रिलेशनशिप है? बहुत close, बहुत close. हाँ जी, I mean obviously like she's the hero of our family, to be honest. Like मैं तो वो कहते हैं ना hero ना, but actual hero वो है family की. तो she's like a pillar, हमारी warrior, हमारी hero. तो अगर वो जिस तरह strong है, अगर वो ना होती तो मैं, मेरी बहनें, हमारी family उस तरह I think survive ना कर पाती, to be honest. It's circumstances से गुजरे हैं. So for my mom for me is like everything. Is she a single parent? No, she's not. Okay, she's not. But my dad suffers from dementia. Achha, so because khawateen jab zyada strong, mujhe aisa lagta hai ki maon baapon ke sath bhi betiyon ki bahut bonding hoti hai, lekin maa ke sath zyada tab hoti hai jab maa ko bahut zyada wo maa se impress aur inspire ho rahi ho. So your mother is like a very strong kind of yeah. Actually my when I was 16 my dad was diagnosed with dementia. So us wajah se tab se she took care of everything. Okay. So that's why she's like a, you know, strong that's woman. That's brilliant. To abhi dekh ke television pe kya react karti hain, feedback deti hain, kya poochti hain, kya bolti hain? Yeah. Wo bhi pooch rahi thi, live hai ya recorded hai? I was like, nahi recorded, acha chalo main dekhungi saath mein. She's here in Pakistan? She's here with me right now, yeah. In Karachi. Oh, yeah. Lovely. Acha acha, right. She's originally from Multan, right? Not Multan, okay. Multan se aage ek chota sa shehar hai, matlab जब नहीं कबीर वाला जहाँ पर जब भी मैं उसे, you know, it's really funny, मैंने किसी शो में कहा कि गांव है तो वहां से मुझे कॉल आया, गांव समझाओ यहाँ पे. I was like, नहीं शहर है कबीर वाला. दो मीटर का शहर है लेकिन है शहर. तो वहां से है वो. That's amazing. हमारे गांव भी बहुत खूबसूरत होते हैं, बल्कि गांव की लाइफ तो इज ब्रिलियंट. इट्स अमेजिंग. एक चीज और वो ये कि ये बड़ी स्पिरिचुअल भी है. गौर, यू नो दैट? Yeah. Like, how you know that? No, I want to know. Achha, how spiritual? She tell me. Okay, which wait, Kubra, don't look at him. Ye Multan mein kin ke darbar pe zyada jaati hai? Ek second, Kubra. Batao, chalo. Oh. Wo dost mein naam nahi mujhe yaad. Lekin लोगों को पता चले कि ये शी इज मच मोर देन व्हाट वी सी ऑन टीवी. अच्छा, तो वहां पे जाके फिर सकून मिलता है. दुआएं पूरी होती है? आप बताए इनके बारे में. गौहर वो नहीं होता एक बंदे का, नहीं कोई ऐसी बात नहीं बतानी जो बताने वाली नहीं होती यार.
बताने वाली बात बतानी है, बताने वाली बात बता रही हूँ मैं. अगर आप ओके सिंपलेस्ट वे, अगर आप गौहर को दो साल पहले जानते थे और कहते थे ये हमारा जिगर है, तो अब वो गौहर ये गौहर नहीं है. Really? He's completely different. You don't know Gohar anymore because he's flipped 180 in the best way possible. So, agar aap claim karte ho, how has that happened? How? I think it. I think influence. In life, there's a turnaround. Some influence is good. Some influence is good in life. ये क्या हुआ? मैच्योरिटी आ जाती है. कैसे आ जाती है अचानक से? दो साल पहले कैसे आ गई मैच्योरिटी? मुझे समझ नहीं आई. जब से कुबरा की सिद्धार्थ दोस्ती भी अच्छी चीज सीख ली कुबरा से, ऐसा हुआ है कुछ? मम्मी ने अच्छे दोस्तों का इन्फ्लुएंस होता है, नो डाउट. हाँ बिल्कुल. गौहर भी अपनी अम्मी से बहुत करीब है. हाउ क्लोज? आई वॉन्ट टू नो योर रिलेशनशिप. क्या है माँ और बेटे का, कितना करीबी रिलेशनशिप है? कितना आप डिफाइन नहीं कर सकते, आप बिल्कुल भी डिफाइन नहीं कर सकते. बट फॉर मी माय मम इज लाइक, बहुत क्लीशे बात है, लेकिन आई मीन शी इज एवरीथिंग फॉर मी. उनकी खुशी ऑब्वियसली सब कुछ मैटर करता है मेरे लिए. आई मीन लाइक मैं एक एक चीज का मशवरा, एक एक चीज उनको जाकर भी बताता हूँ, उनसे डिस्कस करता हूँ. क्योंकि हमारे यहाँ पर सोसाइटी के अंदर, और ये बहुत ओपनली बात कर रहा हूँ, हमारे यहाँ पे सोसाइटी के अंदर ना फॉर सम ऑड रीजन ये एक इम्प्रेशन है कि यार काम की बात औरतों से नहीं करनी. उनको नहीं समझ होगी इस बात की, ठीक है ना? वो यार हमारे काम के बारे में उनको क्या पता, वो तो घर पे होती हैं. इतना इतना गलत कॉन्सेप्ट है ये, इतना जाहिलाना कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है ना? जितने खूबसूरत और सबसे अच्छे मशवरे, ठीक है, मुझे आज तक मेरी जिंदगी में अगर किसी ने दिए हैं तो वो मेरी माँ है, ठीक है, या फिर वो खवातीन जो मेरे इर्द गिर्द हैं, ठीक है. अब वो मेरी दोस्तें भी हो सकती हैं, ठीक है, वो मेरी बहन भी हो सकती है, ठीक है, मेरी अम्मी भी हो सकती है. सो मैं अपनी अम्मी के साथ हर लिहाज से बहुत क्लोज हूँ, यानी कि उनके कहे बगैर अगर वो किसी चीज़ से मना करते हैं तो बस वो हर्फ आखर है मेरे लिए. लाइक दैट. अच्छा, अब शादी के बारे में किसी ने सोचा है? ये एक ऐसे ही, क्योंकि मेरे स्क्रिप्ट में सवाल था तो इसलिए मैंने कर लिया. किसी ने हर थोड़ी देर बाद रिश्ता आ जाता है, और फिर कोई ना कोई मेहंदी में डांस करते हुए रिश्ता आ गया, ये वहां शो पे गया रिश्ता आ गया, कुछ ऐसा नहीं? हाँ होता है. अच्छा, आया था रिश्ता? He was just throwing a ball and he actually caught it. Hey, होते हैं कि कोई मौजूदा हो जाए. अच्छा, फिर होता है तो फिर क्या होता है? बस फिर कुछ वही होता है जो मंजूर है खुदा होता है. खत्म हो गया तो नहीं, प्लान नहीं है अभी, अभी तक तो नहीं फिलहाल. क्यों गौहर, क्यों? क्यों? क्योंकि मैंने सोचा नहीं इस बारे में. मैं सोचवा रहा हूँ, अब सोचो. मैं घर जाकर सोचूं. ठीक है, ओके. व्हाट अबाउट यू गर्ल? What about you? No plans at all? I'm good. Honestly, I think the one thing I've realized is ki jo maturity aur jo independence aur jo self-growth aap akele rehke kar sakte hain, wo aap kisi ke saath nahi kar sakte. And I'm a firm believer ki meri ammi, unhe khanam bulati hu main, wo hamesha kehti hain ki jab tak foundation strong na ho tab tak uske upar imarat nahi ban sakti. Aur har insaan ek foundation hai. Jab tak aap khud strong na ho ya aapko na lage ki aap kisi aur ko bhi apne saath involve kar sakte ho, you shouldn't be with somebody. To main apni self growth ki journey mein hu, jab ho jayegi to phir dekh lenge, lekin abhi time hai usme. Impress ho gaya dono se yaar. Kya baat hai. Inka 1.5 saal pehle maine interview kiya tha, ye aise to nahi the dono. ये एक डेढ़ साल, ये एक डेढ़ साल के अंदर क्या होता चला जा रहा है, दुनिया कितनी चेंज होती जा रही है. I think COVID की वजह से भी बहुत फर्क पड़ा है. Oh, you're right. वैसे ये सीरियस बात है काफी, you're right. हाँ, on a serious note. Effect बहुत ज़्यादा, आपको ये पता चला है कि जो इंसान अपनी प्लानिंग्स करता है या हम बहुत कुछ सोचते हैं वो नहीं होता. वो सिर्फ ऊपर वाले की मर्जी से सब. और दूसरी बात ये भी कि आपको हमेशा लगता है कि आपको यू नो फॉर एग्जांपल दोस्तों से मिलना जरूरी है, ये करना जरूरी है, लेकिन जब हम आइसोलेशन में गए तो हमें एक्चुअली एहसास हुआ कि हम वी डोंट गिव इनफ क्रेडिट टू आवरसेल्व्स, कि हम खुद भी आराम सुकून से सही रह सकते हैं. एंड आई थिंक व्हेन यू रियलाइज कि
independence to ek cheez hai, lekin you can depend on yourself also. Yeah, that is like a huge, like, you know, ek bhar hat jata hai sar se. So I think ye covid wala jo saal guzra hai, I think hum sabhi kafi grow kar gaye hain to realize ki aap dostiyan kam hai life mein, kam dost bahut kam, bahut kam. Koi special reason you've always been like that? No, I've always been like that, to be really honest. Less people, less meeting, less people. Yeah, exactly. And less drama as well. Gohar ke on the other, I think, and he has a lot of friends. Used to. You used to? Yeah, not anymore. Iski kya wajah hai, Gohar? Woh wali baat, kya mila ke... Achha, dost na hona koi buri baat hoti hai? Kam logon se milna koi buri baat hai? Buri baat to nahi hai. Aapki choice hai na? Choice hai. चॉइस है आपकी। लोग माइंड कर देते हैं अगर आप उनसे नहीं मिल रहे रेगुलरली, आप उनके पास नहीं जा रहे, सबकी अपनी अपनी मर्जी है, कुछ लोग कर लेते हैं माइंड, लेकिन फिर इवेंचुअली वो अंडरस्टैंड भी कर लेते हैं इस बात को, ठीक है, वहाँ तो मम्मी समझदार लोग अंडरस्टैंड, हाँ ठीक है। अच्छा कुब्रा, कभी एक्टिंग मतलब फिल्म टीवी में एक्टिंग तो होगी, कुछ और इस फील्ड में यू वांट टू कैरी ऑन, डू यू फील दैट यू वांट टू कैरी ऑन इवन इफ यू आर सेटल्ड, इज इट सो इंटरेस्टिंग, इतना पैशन है कि इसमें डायरेक्शन भी शुरू कर दोगी, इसमें और प्रोडक्शन भी हो सकती है? यू नो, एज वियर्ड एज इट माइट साउंड, कि एक्टिंग तो ऑब्वियसली इट्स बिकम समथिंग वेरी डियर टू माय हार्ट, लेकिन मुझे बताया गया है ये कि आई हैव अ विजन. And I mean, I have an eye. Yes. Yeah. So, और मुझे शौक भी है. For some reason, like जब मैं कुछ पढ़ती हूँ या I'm a visual learner and I do everything like imagination के साथ वैसे भी. So मुझे लगता है कि वो जब मैं देखती हूँ कि अगर like for example मैं गाना सुनूंगी, मेरे दिमाग में कुछ completely different होगा. आगे देखूँगी, I'm like अच्छा ये तो never mind then. कोई बात नहीं. So अभी नहीं, but maybe आगे जाके hopefully if I. Definitely, inshallah. What about you, Gohar? Acting के अलावा, you've done theater also. You've done films, TV, हर चीज माशाल्लाह कर भी रहे हो, हुई भी है. तो direction, production में कोई शौक है? नहीं. बिल्कुल भी नहीं. Because मुझे ये है कि मैं भी शायद ब्रेक लूं. आई वुड लाइक टू टेक अ स्टेप बैक. ठीक है, आई वुड लाइक टेक अ यू नो ब्रेक, और फिर उसके बाद सोचूंगा कि क्या. व्हाई? आई जस्ट वांट टू नो व्हाई. ऐसे में क्योंकि मुझे कोई चीज, मुझे अभी कोई चीज इंस्पायर नहीं कर रही. राइट. मुझे कोई चीज इंस्पायर नहीं कर रही, क्योंकि जिस तरह हमारे कभी ऐसा नहीं होता कि हम लोग इतना सोशल लग पड़ते हैं कि हमें कोई, यानी हमारी सेंसिबिलिटी कभी कभी आपकी इतनी स्क्रिप्ट में या बहुत सारा कुछ देख के इतनी बढ़ जाती है कि आप जो आम लोग देखना चाहते हैं आप उनसे डिफरेंट सोच रहे थे और उनको जो चीज इंस्पायर कर रही थी वो हमें नहीं कर रही थी. बट देन व्हेन यू डू रन द मिल वर्क दैट आल्सो इज लाइक्ड बाय देम, बट यू रियली वांट टू ओनली डू व्हाट लाइक इंस्पायर्स यू. क्योंकि वही वाली बात है ना ऐसे कि लाइक इफ दिस, ये काम है ही बेस्ड ऑन. मैं बताऊं, मेरे साथ उडारी के बाद ऐसा हुआ जो आप बोल रहे हो ना. उडारी के बाद मेरे पास 8-9-10 स्क्रिप्ट आए. मुझे कुछ समझ नहीं आती थी मैं क्या करूं. और ये सोचते सोचते एक साल गुजर गया. और मुझे थिएटर आया, मैं थिएटर करने चला गया, आई डिड नथिंग. लेकिन मुझे 1.5 साल बाद एहसास हुआ कि यार आई हैव मिस्ड सो मच. फिर मैंने बिल्कुल ऑर्डिनरी चीज पिक की और वो फिर से क्लिक हो गई. एक मिसाल है. सो आई जस्ट थॉट कि आई वॉज, मुझे लगा कि मैं गलत सोच रहा हूं या आपको शायद ब्रेक चाहिए होता है. मेरे लिए क्राइटेरिया किसी चीज का हिट या फ्लॉप होना नहीं है. हाँ, ऑफ कोर्स. ठीक है, कि वो कमी लाइक क्लिक कर जाए या फिर मासेस में हिट हो जाए, वो क्राइटेरिया सेकेंडरी है मेरे लिए. मेरे लिए उससे पहले ये कि यार ये काम है ही कंप्लीटली बेस्ड ऑन पैशन. ठीक है ना, अगर आपका शौक पैशन के बगैर हो ही नहीं सकता. एग्जैक्टली, हो ही नहीं सकता. जितने इनसेन आवर्स हैं और जो इनसेन अमाउंट ऑफ वर्क है वो हो ही नहीं सकता उसके बगैर. सो अगर आपको वो ड्राइव नहीं मिल रही तो फिर आप ना ही करें, तो फिर उससे बेहतर है कि आप थोड़ा सा वेट कर लें. जब कोई इतना बड़ा बिजनेसमैन हो और इतने काम कर रहा हो तो फिर इंसान कहता है कि चलो यार ब्रेक ले लो. अब मेरी तरह का बंदा तो ब्रेक लेगा, तो ब्रेड एंड बटर गया ना फिर मेरा. ब्रेड एंड बटर. नहीं, दैट्स वन ऑफ द मेन रीजन जो आप कह रहे थे कि मैंने 2 साल से ड्रामा नहीं किया. इनका ब्रेड एंड बटर गया. So that was one of the main reason that I didn't do a drama because of the same reason. It did reason. Not inspire you, Kubra. नहीं, after Ahsan Jahan, nothing made sense to me. Oh my God. And I wanted to take a break. Actually, मैं सोच रहा हूँ कि मुझे एक दफा ऐसा हुआ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मुझे तो हर चीज इंस्पायर कर जाती है. You're easily pleased. कोई ऐसी चीज हो जो मुझे इंस्पायर ना करे, मैं सोच रहा हूँ कौन सी चीज है. अच्छा सर, आप एक ब्रेक यहाँ पे लेके गेम भी खेलेंगे. जनरल नॉलेज का शौक है? जनरल नॉलेज में नहीं. कुछ अच्छा अच्छा, किस चीज का शौक है? मुझे अच्छे लोगों से बात करने का शौक. आप बिल्कुल सही है, जबरदस्त. तो आपको मतलब हम बात करते रहे. हाँ,
ब्रेक ना ले, बात करते रहे मेरे से. जनरल नॉलेज में कोई कुछ थोड़ा बहुत ऐसे. या आई मीन लाइक थोड़ा बहुत तो श्योर. हां तो बस फिर ऐसे ही, मतलब मैं सवाल करूंगा, लेकिन उससे पहले हम शॉकर की जाने पड़ेंगे. शॉकर यस लेके आए शॉकर. एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए टाइम आउट विद एहसन खान. हाँ हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टाइम आउट विद एहसन खान. और हमारा अब का जो सेगमेंट है उसका नाम है झूठ का झटका. और क्योंकि जोर से लगता है और कुबरा पहले ही बहुत डर रही है यार, इतना भी मुझे करंट इतना पकड़े बहुत जरा पकड़े. एक मिनट ये दिखाएं, पकड़ के रखें. गोहर लग गया है. हाँ लग गया है. बहुत, बहुत बहुत बिल्कुल ना होने के बराबर. देखो यार हमने नहीं इतना सोचा, हमने इतना लोगों के साथ जुल्म नहीं करते. अब एक मिनट, अब आप पकड़े. हाँ कपड़ा नहीं है. नहीं है, एक नहीं है, उसकी रिएक्शन से पता लग जाता है. जोर से पकड़े ना यार. हाँ नहीं है. आप गौहर के सवालों के जवाब देंगे, गौहर आपके सवालों के जवाब. समझ आई? ठीक 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 ठीक. नहीं और समझा तो, गौहर कुबरा बन के जवाब देगा, कुबरा गौहर बन के जवाब देगा. ओके ठीक है. लकी यू. कैसा लग रहा है? ठीक है जी. Gohar as Kubra, okay, right? Yeah. Gohar. Wait, so I press his button. Ha. Okay. Sorry. Ding. ठीक है. Gohar as Kubra. यानी कि Kubra. Ha. मैं co-stars की favorite हूँ. Ha. नहीं सब सब तो दबाओ ना उसको. ये यू मिस योर चांस. यू मिस योर चांस गर्ल. ओ सो यू जस्ट प्रेस इट विदाउट. नहीं बच बच बाकी लग गया एकदम. अच्छा सब सबकी फेवरेट नहीं हो? नहीं नहीं एक दो होंगे जो जो कहते होंगे ये बस ठीक है. मैं सोच रहा हूँ ये कौन बेवकूफ होगा जो कुबरा को देखे, मतलब बस है याद आया. हाँ एक दो होंगे. Okay, ये मुझे भी याद कराना यार. ऐसे ही बीच में ऐसे. चलो जी कुबरा एज गौहर. ओके. जब भी कोई खूबसूरत लड़की देखता हूँ तो ये सोचता हूँ चलती है क्या नौ से बारह तेरह चौदह सही तरीके से पकड़ो. सही भाई क्या हो गया जवाब भी क्या. अरे पकड़ो तो सही. मुझे वेरीफाई तो करने दो कि तुमने सही जवाब दिया है गलत. ऐसी नहीं होता. हाँ ठीक है. अच्छा क्या फिर सोचता अगर ये गाना नहीं आता? नहीं मैं हर लड़की को देख के नहीं सोचता. सही है. कुछ को देख कुछ कुछ को. हाँ कुछ को देख के. 100-200 को? नहीं नहीं एक आदमी. एक हाथ को. वाह. हाँ हाँ हाँ. यहाँ तो वो एक आध सुन रही है, यहाँ वो एक आध जानती है कि शो में एक आध का कहा गया है, वरना ये एक आध ऐसी कह रहा हूँ यार. सच ना समझ रहा हूँ यार, मजाक कर रहा हूँ. भाई हमारा दोस्त है. अच्छा जी गौहर एज कुबरा, अगर मैं आपका फोन नहीं उठा रही तो समझ जाएं के अगर मैं आपका फोन नहीं उठा रही तो इसका मतलब है कि मैंने आपको फर्क रहा है. लेकिन जब मैं बाद में आपसे बात करूंगी तो एक इतना लिजिट एक्सक्यूज दूंगी कि आप सोल्ड हो जाएंगे फुल. ये सच है, चाहे तुम मुझे करंट मार दो ये सच है. लगाओ. हाँ ये सच. सही बोला है. बिल्कुल सही बोला है. नहीं I mean, अगर मैंने मिस कर दी है कॉल तो या तो मैं इंस्टाग्राम ही देख रही होंगी या मैं वीडियो गेम खेल रही होंगी या मैंने देखा होगा फोन में कहूंगी बाद में. हाँ. या दिल नहीं कर रहा होगा बात कर रहे हैं. ये कभी ये भी तो होता है दिल नहीं कर रहा है बाद में ठीक है. ओके कूल. कुबरा जी इन इन के साथ काम करने से इनकार कर देता हूँ. इन इन के साथ किसी के साथ. इन इन के साथ. हाँ नाम ही ले लिए मतलब. नाम तो नहीं. नाम ना ले. ना लो वो ना ये उस वो उस ये वो वाला देन दैट नहीं नाम नहीं लूंगी लेकिन ऐसे लोग जो अननोइंग हो
That's very true. To him specifically. ये मना कर देता है काम करने से. हाँ हाँ. Okay. ठीक है. Negative energy नहीं. Negative energy. हाँ. Negative energy. तो कोई भी कर दे ना मतलब कोई भी बता negative. नहीं कुछ लोग बर्दाश्त कर लेते हैं. हाँ ये भी है. Patience level उसके लिए जरा upper चाहिए upper. Exactly. ठीक है जी Gohar. हाँ. अरे पकड़ो उसे तू. It was something on the lines of something on the lines. I'm not saying exactly like that, but something on the lines of Tomb Raider. You know, us tarah ka nahi karna chahti. Zor se dabaye usko bro. Tomb Raider. Agle ko. Yeah, maine itna actor girl bana diya tha. Maine ek such maine woman empowerment aur. Usse kya chalo? Main banaye lo wo kahegi haan. Theek hai, theek hai. Had hogi. Kya karna chahti ho tum? Batao. I want to do two kind of one, not Tomb Raider, like a period play of like a warrior kind. On the lines of Tomb Raider, I say. Yeah, no. Yeah, I want to do something with mental health. Mental health वाला अब आया है? नहीं, that. ठीक है ये mental health वाला तो one you should have known. ये market में नया है. Mental health वाला मैंने यही बोला on the lines warrior बनने तो अच्छा Tomb Raider क्या है? I've spoken about mental health. Tomb Raider on the lines of on the lines. But that came now. Tomb Raider came now, not Tomb Raider. हाँ Tomb Raider अभी की film है. अभी कौन film है? Mental health मैं बहुत ऐसे बोल रही हूँ. मेरे पुराने interview उठा के देख लो. आप वो भी said कि I want to do something like that. हाँ तो on the lines I'm saying. नहीं फिर भी exactly अगर कहते तो ना वरना फैसला फिर कर लेते हैं इस बात का. आगे बढ़े. हाँ हाँ ठीक है. आगे बढ़ते हैं जी. ठीक है जी Gohar. इन इनके साथ काम करना आसान नहीं कुबरा तो के लिए फिर से नाम देने हैं. मैंने अभी अभी तो जवाब दिया. इनके बारे में बताना है कि इन इनके साथ कुबरा का काम करना आसान नहीं है. कुबरा को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है. इट कुड बी द टू गुड, इट कुड बी द टू बैड, इट कुड बी नंबर वन स्ट्रेट अप जो लोग बदतमीज हो बहुत पॉम्पस हो ठीक है कि यानी के कुछ खास गेम नहीं है लेकिन अपने आप में बहुत माचो बनते हैं. ओहो ऐसे तो तकरीबन ऐसे तकरीबन कोई भी नहीं है. तकरीबन कोई भी नहीं. तकरीबन कोई भी नहीं. तकरीबन कोई लेकिन वो जो एक माइनॉरिटी है वो है. सो इनके साथ कुबरा का काम करना बहुत मुश्किल है ऐसे लोगों के. ओके इस पर ही करंट मार रहा है. सच बोल ये सच बोल रहा है. ठीक है वेरी गुड. मेंटल हेल्थ रिमेंबर दैट नेक्स्ट टाइम. ओके कुबरा के लिए सवाल है. कुबरा जी कुबरा पकड़ के रखो पहले. नाउ वेट. मेरा यानी Gohar का फेवरेट राइटर कौन है? राइटर राइटर यस यार ही हैज स्पोकन. तुम पकड़ो तो सही यार. ये यार इसको सही तरीके से सही तरीके से बोल यार. ये फाउल है. ये फाउल है. ये मैंने चीटिंग कर रही है. कभी चीटिंग नहीं. चीटिंग मत करो यार. बदतमीजी करो. मैंने भी करण खाया ना. मैंने करण खाया है. हां लगा है ना. फेवरेट राइटर लगा कि नहीं लगा? ओके एक सेकंड ट्राई कर देती हूं. इसमें तो करंट ही नहीं आ रहा. करंट आ रहा है यार. आ रहा है. ओके ठीक है. हां मारो. हां अब फेंक. उसने भी राइटर का नाम तो लिया नहीं. I said pants ki pooch. Okay. Kya sorry? Pants ki pooch. Ha pants ki pooch. That's my PG-13 version of. Yeah. Favorite writer nahi malum. Nahi. Okay. He has a few. I would say there's this writer called. He has a few. Mohsin. Then there's Saji. Yeah, but okay, no. Who is it? Then first time me answer. No. Pehle. No.
नहीं 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 ये होगा ये होगा ये होगा ये होगा हो गया ओके 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 शाबाश औरत बनो औरत बनो ओके हाँ शाबाश बहुत जुल्म कर रहा है बेटा अच्छा फेवरेट राइटर खुद बता दो यार मेरा कोई भी फेवरेट राइटर नहीं है व्हाट इज दिस बिहेवियर देन जो भी अच्छा लगते हैं मुझे मुझे स्क्रीन प्ले राइटर्स मेरे बहुत फेवरेट हैं मेरे डायरेक्टर्स बहुत फेवरेट हैं पर राइटर्स इन स्पेसिफिक मेरा कोई भी फेवरेट नहीं है बट यू सेड यू लाइक मोहसिन्स वर्क अ लॉट लिटिल बिट लिटिल बिट मोहसिन देख लो अब मोहसिन मोहसिन इज वन ऑफ दोस राइटर्स मोहसिन अली मोहसिन अली इज अ वेरी गुड राइटर ऑफ कोर्स इज अ गुड राइटर बट वो नहीं है कि मम्मी लाइक मैं डाई हार्ड फैन ऑफ राइटर्स वो वाला सीन ठीक है ओके ओके अमेजिंग ब्रिलियंट क्या हो गया हाथ कॉन्स्टेंट शॉक लग रहा है कॉन्स्टेंट शॉक लग रहा है अच्छा जी सवाल है मुझे जब गुस्सा आता है हाथ रख उस पे भाई मुझे जब गुस्सा आता है तो मैं ये करती हूँ क्या करती हूँ हुई जब बहुत एक्सट्रीम गुस्सा एंड वाला हाँ बिल्कुल एंड वाले हाँ, बात yes. ये मिडिल वाले की बात नहीं होगी ठीक है ना कि बिल्कुल दी एंड हो गया है मतलब क्या और ये बहुत गलत करती है काम ठीक है ये चुप हो जाती है और ये बिल्कुल अपने डेन में चली जाएगी और ये बिल्कुल गायब That's true. That's true. जो कि बहुत गलत है मैं I don't fight I don't fight, I don't scream, shout. अगर वो लेवल ऑफ गुस्सा आ गया ना वो लेवल ऑफ गुस्सा आ गया छोटा गुस्सा आया तो बीच में बहस आर्गुमेंट खा वो कर लेगी लेकिन अगर वो लेवल ऑफ गुस्सा आ गया ना तो ये बस चुप होके बस कमरे में घुस जाएगी और बस बंद शट डाउन ओके कूल वेल डन गौर ये पकड़ हां ये अवार्ड जीतने के लिए जरूरी है कि काम अच्छा करो अवार्ड जीतने के लिए जरूरी है कि अवार्ड शो में आधा घंटा पहले ब्लैकमेल कर दो उनको कि मैं नहीं आऊंगा अगर मुझे अवार्ड नहीं मिलेगा तो अवार्ड जरूरी नहीं है मेरी नजर या तो काम अच्छा करो ये जवाब तो या तो काम अच्छा करो बट देन अगेन ऑनेस्टली एट दिस पॉइंट जो अप्रिसिएशन हमें हमारी व्यूअर्स से मिलती है फैन से मिलती है जो प्यार मिलता है या जो सीख उनको मिलती है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन सब लोग जाते भी हैं अवार्ड लेने के लिए और अवार्ड शोज में भी See, that's exactly the thing. Sab log jaate hain na, so we don't really know anymore how authentic they are. Sorry, I have to say it as it is. Sahi bol rahi hai. Nahi dabana hai is pe. Nahi. Haan, sahi bol rahi hai. I mean, it's a nice feeling to get it. Yeah. But yeah. I think this point pe aa gaye hain ki we don't know anymore. Check kar raha tha. Dobara tha. Phir dobara. Check kar raha tha. Kyun dobara usse dabaa diya? Main check kar raha tha. Just maine jab pakda hai. Okay, na check. Theek hai. Okay, Gohar. गौहर कुबरा का जवाब दे रहा है हाँ मेरा अब तक सबसे बेहतरीन ड्रामा ये है इट्स आइदर बिटवीन नहीं एक आइदर उधर नहीं दो में इन द लाइंस ऑफ नहीं इन द लाइंस ऑफ नहीं फिर मिलेगा दो में से कोई एक होगा दो में से कोई एक पिक होगा पिक वन यू हैव टू पिक वन या अलिफ yeah. Is that true? Yeah. Wow. Amazing. Lovely. Okay, ji. Kubra. Ji. Best actress. क्या लगता है गौहर को क्या लगती है कि ये best actress है? No, but it's your thing, na? Oh, you have to answer. Best actress. इतना सोचने की शो का टाइम निकल गया आयशा खान आयशा इज अ ग्रेट एक्टर हु आयशा इज अ ग्रेट एक्टर
Who do you think is the best actor? Hey, bhai, agla naam. Chalo, usne bajao. Usne wo laga diya. I want next, answer. Next name. Gohar ne. No, but answer to de na. Wo answer dega. Abhi ek aur try. Teen tries dete hain. Okay, done. Kubra ko three. Haan, chal, chal. Teen dafa main kyun electrocute hoon? Nahi, nahi, nahi. Acha nahi karunga, nahi. Mufti ki. Acha nahi karunga. Sahi jawab do na fir. Haan. Sajjan? Okay, good. Yeah, acha. Good. ठीक है, सही है. बस हो गया ना? एक और. एक और नाम. तीन नाम देने हैं. सबा कमर? हाँ. मगर उनसे भी ऊपर एक नाम है. रीमा जी. रीमा जी. उनसे भी ऊपर एक नाम. ओ सानिया सईद. Yeah, Sania Saeed. Yeah, only Sania is the best that we have, actually. Okay. Yeah. Agar Gohar ke liye sawal hai. Agar mera pehla rishta nahi, Kubra degi jo. Haath rakho. Agar mera rishta ek minute bas aayega. Nahi, main dil kar raha hu sawal zyada. Kya ho gaya yaar? Agar mera rishta aaya, to mera pehla sawal kya hoga? Ye kya puchega usse? Chill, insecure. Chill, chill. अगर मेरा रिश्ता आया कुबरा का तो मेरा पहला सवाल क्या होगा? अबे यार अगर रिश्ता आएगा तुम क्या पूछोगी? पहला सवाल तुम क्या पूछोगी? Specifically, क्या सवाल पूछेगी कि generalize? On the lines of either or either or whatever. Specifically, no way, dude. Give me the right answer, man. Otherwise, you're gonna get this. हर चीज को safe play करने के चक्करों में. हाँ. Smart like that. Yes. नहीं. अच्छा. ये सबसे पहले जिन चीजों के जिस चीज के बारे में सवाल करेगी ये जिन चीजों अब आप चीजों चीज एक चीज एक चीज चीजों नहीं अब चीजों एक चीज के बारे में एक चीज के बारे में ज्यादा करंट लगे चीजों नहीं नहीं चीज तो पिज़्ज़े में होती है लेकिन चीज दो चीजें ओके दो चीजें अच्छा सबसे पहले शी विल ट्राई टू गेज के कितना आर्टिस्टिक इंसान ठीक है कितना आर्टिस्टिक है ठीक है वो होना बहुत जरूरी है दूसरा Can I give you a better word? Yeah. Kitna passionate hai about what he does. Haan. Passion's very important, okay. bro. Haan. Passionate about what, bro? Just generally, you should generally. Be a passionate person. Okay. Yeah. ठीक है. और और दूसरा सवाल ये करेगी कि सोच कि कि लगाना नहीं था वो गलती से हो गया. Over acting. डिस्टेंस मिस हो गया मुझसे बस अब हो गया जवाब अच्छा ठीक है हो गया हो गई खत्म तुम्हारी मकसद पूरा हो गया ठीक है मकसद पूरा हो गया वो डिस्टेंस मिसकैलकुलेट हो गया था मुझसे सॉरी अच्छा ये यानी समबडी गौहर की नजरों में जो सबके कामों में कीड़े निकालता है या निकालती है कोई ऐसा नाम जो गौहर सोचता हो कि यार ये डायरेक्टर या ये प्रोड्यूसर या ये एक्टर ये बस सबके कामों में अक्सर बोलता नहीं यार नॉट आफ्टर मार्क नाम लेने नाम ना लो कोई कोई ऐसा इंसान जो वैसे ही एक अदद फप्पे कुटनी है वो जाके यू नो लड़का भी हो सकता है या वो लड़का भी हो सकता है ऑफ कोर्स हाँ
जो पहले ही इस तरह की बातें करता है या करती है तो वो साथ में हमेशा डिस्क्लेमर भी देता है या देती है कि मैं तो कोई बात मतलब... नहीं करता या करती है। मैं तो गॉसिप ही नहीं करता या करती है। ऐसे लोग हमेशा डिस्क्लेमर्स होते हैं। मैं तो कभी जिंदगी में तेरी बात करने की। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ, मैं ब्रेक में पता करें एक बार। ठीक है, सही, ओके, गुड 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 गुड, ठीक है। Ask him more questions. ये स्क्रिप्ट, ठीक है। मेरी ये आदत किसी को नहीं पता। कुबरा की? हाँ। नहीं, मेरी। उस वक्त से कुबरा के सवाल कर रहे हैं कुबरा की। मेरी ये आदत किसी को नहीं पता, क्यों बतानी है? बताने वाली। आदत जो कि किसी को नहीं पता, जो कि किसी को नहीं पता। आई है गौर के ज़हन में, आई है यू गुज़रीश। हाँ आई है, लेकिन वो मैं बता नहीं रहा। करंट मारा, बहुत गौर से देख रही है, घुरिया कर। करंट मारा तो बता देगा। हाँ, नहीं मारोगे तो नहीं बताएगा। घुरी करा रही, घुरी लड़की, घुरी करा रही है गौर को। एक आदत हाँ, जो कि नहीं, something nice as well, okay? शक्ल से पता चल गया मुझे कुछ गलत कहने लगा। अच्छा, कुछ तो वो बेचारा कह दे यार। मैं चेंज कर रहा हूँ अपने दिमाग में। लो, और मैं यार नॉट फेयर लेकर आया हूँ। फौरन कुबरा ने मना किया ना। एक जो चीज है जो कि मुझे नहीं पसंद, ठीक है ना, मुझे जहर लगती है, ठीक है, कि चावल तरीन लोगों को भी माफ कर देगी है, जो कि डिजर्व नहीं करते, ठीक है ना। हाँ। कितनी अच्छी बात उसने बनाई है कुबरा। कुबरा का दिल कर रहा है कि वो इन दोनों को पकड़ ले और दोनों करंट में लगे। दोनों हाथों से तुम पकड़ो। ऐसे उसने बात घुमाई है। पहले भी ये बोल रहा है। नहीं, वैसे तो नहीं, लेकिन इस बात पे स्लो क्लैप। इंडस्ट्री में ये लड़की मुझे अपनी हम शक्ल लगती है या अपनी जैसी लगती है मुझे। कोई लड़की जो कुबरा आते हैं, अपनी जैसी आते हो सकती हैं, लुक्स हो सकती हैं, कोई स्टाइल हो सकता है, कोई हंसी हो सकती है, कोई बात हो सकती है। ये लड़की मुझे अपनी जैसी लगती है। कौन लड़की मुझे अपनी जैसी लगती है? आयशा खान। ओके, I'll give you that. Yeah, I think we're nothing alike. But we get along a lot. So. Yeah. But you both are beautiful. Yeah, common factor. I'm like, yeah. Yes. 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 Last question. You take one. Here you go. No. Sorry. नहीं, फजूल में ना करना। सी, सी, नहीं, फजूल नहीं कर रहा। फजूल नहीं कर रहा, ये फजूल नहीं कर रहा, कोई पंगे नहीं कर रहा। क्या? व्हाट? तेरी फजूल मत करना, मैंने गलती नहीं करी। ठीक है, अगर अपने चेहरे पर कोई काम करवाया तो वो ये होगा। क्या? कि मैं अगर मैंने यानी एस्थेटिकली कभी जिंदगी में अपने चेहरे पर कोई काम कराया तो वो ये होगा। इस सवाल पे तो इनको करंट मारना चाहिए पहली बात। हाँ। हाँ। मैं लगता हूँ कि मैं अपने चेहरे पे कुछ करवाऊंगा। गौहर दे रहे मेरे लिए। नहीं, तुम एस गौहर बन के सवाल का जवाब दो। हाँ। I mean, the other way still makes sense, but जिससे कि नहीं करवा कभी हो ही नहीं सकता। नहीं, नहीं लगता है अभी देख के कहीं से। मतलब मुंह मुश्किल होता है। आप लोग सारे अंधे हैं। थैंक यू मुनीजा, इतनी मोहब्बत है आपको मुझसे। लेकिन जिन लोगों ने करवाया हुआ है उनका बड़ा ऑब्वियस भी है, मतलब है। सही बताओ। हाँ, एहसन। ये हाँ। नहीं, अब उनके नाम बता दें आप। नहीं नहीं, नाम नहीं बताने चाहिए, ये हर एक की प्राइवेट और पर्सनल चीज है। इस चीज में तो ऐसी कोई नहीं है यार, मैं तो ऐसे ही बोला था। हाँ। मुझे तो कोई नहीं करवाता यार, मुझे ऐसे देख के लगता है कि क्योंकि really na big claws kubra ka hua yaar really like going about like this just a joke and it's like
you know, like we're just having fun. That's yeah, it. Yeah, yeah. Nothing serious. Anyway, guys, abhi aur dil hai current khane ka yahan. Wo dabai ja raha hai. Lag di raha. Lag gaya nahi. Ye kharab hai. Ye kharab kuch nahi. Nahi kharab nahi. Maine haath nahi rakha. Ye upar nahi lagta. Aise kaise pakadna? Ye wala. Ye nahi hai. Nahi hai. Chalo. Nahi hai. Nahi. Like proper tarike se kya hua? Grip nahi hai. क्या हुआ है कोई कमजोरी है मैं मुझे रोक क्या कर या या एक ब्रेक लेके छोटा सा हमारे साथ रहे नेक्स्ट गेम भी जाने पड़ेंगे देखते रहिए टाइम आउट विद अहसन खान With Ahsan Khan और हमारा segment है selfish dish जो कि बिल्कुल selfish नहीं है क्योंकि आज दोनों बिल्कुल ऐसे लोग वैसे कभी भी ऐसे नहीं हो जो selfish हुए हैं मेरे मुंह से क्या निकल गया लेकिन ये तो खास तौर पे अगर इनको मैं बोलूँगा मैं ना किसी का राज बता दो तो ये तो ऐसी बात बताएंगे जो कि बस नहीं हो रहा राज नहीं पता चल रहा मुझे बस ऐसे ही अच्छा जनाब आपको समझा दूँ mango dessert आप लोग बनाएंगे mango आप तो बहुत खाते होंगे आम आम या वो तो जुलाई जून जुलाई में मुल्तान शुरू नहीं किया अभी तक खाना नहीं अभी मैंने तो शुरू भी कर दिया मैंने नहीं शुरू किया मैं मुल्तानी आमों का वेट करती हूँ हर साल सबसे बेस्ट होते हैं आप किन आमों का वेट करते हैं मैं सिर्फ आम का वेट करता हूँ चाहे कहीं मर्जी के कहीं के भी हो आम आम है आम अच्छे और कैसे खाते हैं आप आम मैं काट के ओके हाँ बेहतरीन तरीका वही है हाँ काट के स्लाइसिस बना के ठीक है ऊपर से उसका कोट उतार के ठीक है और आपके साथ मैंगो मिल्कशेक भी बहुत अच्छा ओह यस राइट बट यहाँ पे आपको बनानी है एक मैंगो डिजर्ट और उसके लिए हमें चाहिए मैंगोज बिस्किट्स क्रीम कंडेंस्ड मिल्क और सिरप और यहाँ आपके सामने बहुत सी चीजें हैं आप लोग चूज करेंगे अपनी अपनी पर्चियां अगर तो आपके पास इंग्रेडिएंट्स निकल आया देन यू आर स्लाइटली सेफ अगर नहीं निकला तो फिर आपको मेरे सवाल का जवाब देना पड़ेगा या कोई राज बताना पड़ेगा क्या आप लोग तैयार हैं जी निकालिए कुबरा क्या है सोया सॉस के साथ ये आज क्या बनाने जा रही है कुबरा मैंगो डिजर्ट नहीं मुझे नहीं चाहिए ये अच्छा अभी वापस लेंगे गौहर सॉल्ट उठा लीजिए सॉल्ट कुबरा कम ऑन क्विकली Egg. I can't. Yeah. Egg. मैं भी उठा लेता हूँ. क्या चीज़? पर ketchup. 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 आई. कमल कुबरा. निकल क्यों ना ingredients की भी कोई चीज़ डाली बीच में नहीं डाली. Garlic cloves. Garlic cloves. Garlic cloves. क्या करेंगे mango dessert के साथ? मैं खाली खा रहा हूँ. क्या? कोई हाँ वाकई कोई है. हल्दी टर्मरिक वाह यार क्या बात है हल्दी हल्दी इज वेरी हेल्दी तो मेरा करोगी चूज कर रही मैं निकल आया ये ले मैं क्या करूंगी इन सब चीजों का चिली फ्लेक्स असल वाले आंसर्स हैं इसमें नहीं है मुझे नहीं लग रहा इसमें नहीं है ऑफ कोर्स है या ऑफ कोर्स है ये चीटिंग हुई है ब्लैक पेपर Dude, no, I'm telling you. Yes, go retake it. Yeah, बिल्कुल भी नहीं है तो क्या ट्रेड करेंगे हम? Is there तो black pepper भी नहीं है? अच्छा ये. नहीं लेकिन हम मतलब मतलब क्या? Kindly. मतलब बस. नींबू. ठीक है. अच्छा जरा एक आखरी भी देख लेते हैं. Vinegar. कोई एक भी ingredient नहीं था. आखरी नहीं है इसमें. पांच अभी बचते हैं यार अच्छा एक मिनट कोई बात नहीं सब मिलेगा ये देखो स्ट्रॉबेरी सिरप मेरे पास है बिस्किट्स मेरे पास है कंडेंस मिल्क है क्रीम है और मैंगोज है लेमन भी ले लें ठीक है नहीं आप रखें अपनी चीजें अच्छा अब ये हमें चाहिए पहला तो ये कुबरा में कुबरा व्हाट डू यू नीड द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड इज वेल कंडेंस मिल्क एंड बिस्किट्स ठीक है मैं इसको पहले एक चीज ना एक एक करके वो दोनों बेस इकट्ठे है ना ये बताएं कुबरा कि
ये प्राइम मिनिस्टर को अनफॉलो करने वाली क्या बात है? अच्छा ओके, यू नो व्हाट, लेट्स जस्ट गेट इट आउट इन द ओपन. फर्स्ट ऑफ ऑल, वो 3 साल पहले की बात है, तो जो सारे वॉरियर्स मेरे ऊपर चढ़ गए थे, आई जस्ट वांट टू क्लेरिफाई कि वो 3 साल पहले हुआ था और उस टाइम मैंने ट्विटर डीएक्टिवेट भी कर दिया था. बट ऑल्सो क्योंकि एवरीथिंग बिकेम रियली पॉलिटिकल फॉर मी एंड आई वाज गोइंग थ्रू अ गुड पैच, सो आई वाज लाइक यू नो व्हाट, मुझे सोशल मीडिया से ही ब्रेक चाहिए. तो मैंने उस टाइम सबको अनफॉलो करके मैंने ट्विटर डीएक्टिवेट कर दिया. I have nothing against my prime minister. In fact, anything, main unko, like, I have clothes with his face on it. So much damn. Ye aapka hua. Okay, Gohar Rasheed, aapko kya chahiye pehle? Amb. Amb. ये तो आखिरी चीज है. मुझे पहले चाहिए, मसला है. ये तो सबसे ऊपर है यार. मैं पहले खा लूंगा. मैं फिर आम का नहीं बनेगा डिजर्ट. चाहिए इवेंचुअली, तो चाहिए ना. पहले लें बाद में लें, सब समझ गया मैं. अच्छा, गौहर रशीद का ये स्टेटमेंट किसके लिए? ये स्टेटमेंट था, इफ अल्लाह हैज ब्लेस्ड यू विद फेम एंड पुट यू इन एन इन्फ्लुएंशियल पोजीशन, यूज इट रिस्पॉन्सिबली. द आइडिया ऑफ बैड पब्लिसिटी being publicity is ridiculous. yani ki buri publicity buri hoti hai aur achhi achhi hoti hai, aur agar koi aapke upar agar karam hai aur aap influencer ban sakte hain to kisi achhi cheez mein use kare. baat to brilliant hai aur 100% sahi hai. clap. lekin logon ne connect kar liya isko kisi khabar se, kisi baat se, to wo kya tha? koi connection tha iska? nahi, koi connection nahi tha. to be precise, exactly wahi log connection banate rahenge, lekin connection koi bhi nahi tha. wo yahi tha ki उस टाइम फ्रेम में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही थी जो कि बहुत नेगेटिव तरीके से पब्लिसाइज हो रही थी. ओके, ठीक है. यानी कि वो ही मुझे लग रहा था कि बहुत सारे लोग शायद इस तरीके की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं. नाम मैं किसी का नहीं लूंगा, ठीक है. लेकिन नेगेटिविटी चल रही थी, नेगेटिविटी सोशल मीडिया पे और हाइप भी क्रिएट हो रही है, देयर एंजॉयिंग इट. हां, सो वो मुझे था कि यार अगर आपको अल्लाह ने इज्जत दी है, अल्लाह ने अगर आपको उस मकाम पे रखा हुआ है, तो आप किसी अच्छे कॉज के लिए आवाज उठाएं, किसी अच्छे कॉज के ऊपर बात करें, या फिर कोई मजाक की बात कर लें. और मैं ये समझता हूँ, मुझे मैं जब ये बात करता हूँ तो मुझे लोग कहते हैं ओल्ड स्कूल. ओल्ड स्कूल बिल्कुल नहीं है, ओल्ड स्कूल ही ठीक है भाई. हाँ, जो डिग्निटी और इज्जत होनी चाहिए इंसान. एग्जैक्टली, निकाट लें आप, काट लें नहीं, बात काट लें. वो बात आ ऐसे रही थी कि मतलब नहीं बोले, नहीं अब आप बोले, नहीं नहीं अब आप बोले, नहीं बोले. See, the thing is right. The thing is like कोई किसी भी बात से खुश नहीं है. Either you're old school or you're too modern. So you can't really survive anywhere and there's no middle either. So I mean nobody's going to ever be happy with you. So just live. So किसी को खुश होने का ना सोचें, ये सोचें कि आपको क्या ठीक लग रहा है. आपको क्या ठीक लग रहा है? लेकिन फिर भी लेकिन एक सेल्फ कॉन्शियसनेस होनी चाहिए, डिग्निटी और ग्रेस होनी चाहिए. ऑफ कोर्स, ग्रेस. मुझे ऐसा लगता है कि आपकी अगर इज्जत के अलावा जिंदगी में सबसे पहली चीज और कुछ नहीं है. पहली भी इज्जत है, दूसरी भी इज्जत है, तीसरी भी चीज इज्जत है. एग्जैक्टली, एग्जैक्टली. तो वो अगर आप उसके मैं चीज के ऊपर अगर आप पब्लिसाइज कर रहे हैं अपने आप को, वो भी नेगेटिव तरीके से, और ऑन द स्टेक ऑफ के ओ मैं तो सही बात करता हूँ हमेशा, और या फिर मैं करती हूँ सही बात हमेशा. ठीक है, सो बी केयरफुल, जस्ट बी केयरफुल एंड बी रिस्पांसिबल. मैंगो तो दें. मैंगो, आई एग्री विद यू टोटली. यदि वैसे खा सकते हैं कुबरा, आप क्या चाहिए? मुझे आप चाहिए बिस्किट्स प्लीज. बिस्कुट चाहिए कुबरा को. बिस्कुट, 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 राइट. आई स्टिल लव दैट एड, आई स्वेयर. इट वाज अ फन एड. यस, इट वाज. इट वाज. आपने मेरे पास तुम हो का वो कैरेक्टर रिजेक्ट किया जो बाद में हरामानी ने किया, ऐसा क्यों किया? मैं ब्रेक में थी उस टाइम, मैं काम नहीं कर रही थी उस दौरान. तो इस वजह से I didn't want to work at all उस टाइम पे. हां जी, तो इस वजह से I let go of it. Besides, एक और मेन चीज थी, like हम पैशन की बात कर रहे थे अभी. आई फील लाइक आपको वही काम करना चाहिए जो आप, आई थिंक मैं जब स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ ना, नहीं जो लगता दिल को, वो आवाज देती है आपको. लिटरली फील्स लाइक इट्स कॉलिंग यू. मुझे वो कॉल नहीं आई थी. महविश, हानिया, हानिया का कैरेक्टर, हानिया के कैरेक्टर्स, मुझे वो नहीं फील हुआ था. राइट, देयर यू गो गर्ल. गौहर रशीद, गौहर रशीद, अब क्या चाहिए? ये स्ट्रॉबेरी सॉस कर लेते हैं जो आखिरी चीज है. ये शुरू में मेरा ही स्टाइल है, स्ट्रॉबेरी सॉस. लेकिन इसके लिए यार ये नहीं, क्या इसके लिए राज बताना पड़ेगा कुबरा का. कोई कुबरा का राज? क्या राज? ये तो आपको पता है, मुझे क्या पता. बार्टर है ये, राज बताएं और ये ले लें. क्या राज? अच्छा, राज बताना होगा. क्या राज हो सकता? पूछ रहा क्या राज बताओ. कौन सा वाला बताओ? वाला बता दूं यार,
कि मैं एक बहुत अच्छी इंसान हूँ. ये राज है? नहीं, हम सबको पता है. इतना सोचना पड़ रहा है ना? नहीं, मैं सोच रहा हूँ. हालात ठीक नहीं लग रहे गौहर मुझे. क्या चीज है जो बताई जा सकती है? तो कोई राज नहीं है वैसे. अच्छा, एक 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 छोटा सा राज. राज तो नहीं है, बट छोटी सी एक प्राइवेट बात है कि ये इंतहा से ज्यादा जंक फूड पड़ा होता है इसके फ्रिज में हर वक्त. और ये जब टीवी देख रही होती है तो ये ब्राउनी खाती है, ठीक है? yes. और हॉट चॉकलेट पीती है. oh, yeah. ठीक है. और बिस और सोफे पे पड़ी रहती है. Days off पे मैं वहाँ ही सो जाती हूँ, वहीं उठती हूँ, वहीं खाती हूँ, वहीं सो जाती हूँ. Cool is that? How much fun is that? No, it's not. But ये नहीं है, but ये brownie और hot chocolate जाता कहाँ है? जहाँ गया था वहाँ से निकालना पड़ा. Strawberry sauce. कुबरा क्या चाहिए? मुझे अब चाहिए strawberry sauce. Copycat. बेस में क्या है उसके? Start making it, girl. Oh, I can start making it. Yes. Oh, good. अच्छा, strawberry sauce ये ले. नहीं, लेकिन नहीं. देना ऐसे ही. You said I'm a good girl anyways. ताहा? ताहा? यार ये क्या? हेलो. मैं उसने जहाँ गौर डाल दिया. ये एक नहीं कोई डाली नहीं. ये धांधली है. सरासर धांधली है. ठीक है. और ये एक बहुत बहुत ज्यादती हो रही है. ये गैंगअप हो गए हमेशा की तरह. गैंगअप हो गए. राज बता दो. बता रहा तो गौर का ही राज था. मैं उससे बचा रहा था. इसे जो राज मुझे बताया ना कान में, वो मैंने कहा नहीं अनाउंस करो यार, अभी वापस वो बता दो राज यार. क्या राज था? एक तो वो इज्जत बचा रहे थे हम दोनों. ये लो यार. ऐसा क्या राज है? ये लो यार. कुबरा बता दो यार, बता दो अब लोगों को. नहीं, वो वाला नहीं बता सकते. ठीक है, वो वाला हम सकते हैं. नहीं, I'll go on the same lines as he did. कि मुझ पे कह रहे कि इतना अच्छी बात नहीं है सोफे पे लेटना. ये अपने सोफे के सामने वाली टेबल को साइड पे करके वहां मैट्रेस लटा के तीन तीन दिन सोया रहता है. वहीं पे उठता है, वहीं पे खाता है, वहीं पे सब कुछ करके सो जाता है. Literally. सब कुछ वही करता था. नहीं, खाना पीना, टीवी देखना, गेम खेलना, सब कुछ. सब कुछ. नहीं, थी ओनली. ये असल राज था भाई. असल राज ये था. सब कुछ. वह गद्दे पे सब कुछ करके सो जाता है. सब कुछ. कुछ नहीं छोड़ता मैं. ठीक है जी. अब क्या चाहिए गौहर साहब? अच्छा, इसका यार मुझे अब दे दें आप बिस्कुट. दे दें बिस्कुट. बिस्कुट दे दो. बिस्कुट ये लीजिए. क्या राज बताना पड़ेगा? इतने राज तो हैं भी नहीं. इतने राज बोलो सोचे नहीं मैं बताने के लिए. क्या राज है यार? एक और राज. कुबरा जब गमगीन होती है तो क्या करती है? डिजर्ट से मुझे डिस्ट्रैक्ट कर दिया. यू नो दैट. जब गमगीन होती है तो जो कि एक अच्छी बात है कि उस गम के बारे में बहुत बात करती है. बता तो दिए. बात करती है बहुत. नहीं बस. हाँ, और क्या करें? और क्या चाहते? क्या करें? हाँ, ये स्टूडियो भी चली जाती है अपने. वहाँ पे आर्ट वर्क करना शुरू हो जाती है. ये भी बताया इसने. मन बात कर रहे. ले लो भाई, ले लो जो भी है. हम नाम नहीं लेंगे अभी. पहले नाम लिखा हुआ था और ले लिया मैंने. अब इन्होंने मिटा दिया वो नाम. अच्छा भाई, अब क्या चाहिए? बनाना भी है. हेलो कूब्स. हेलो. व्हाट डू नीड नाउ? नाउ आई नीड मैंगो प्लीज. मैंगो. राज ऐसे नहीं मिलेगा. चलो राज वाला क्वेश्चन पूछ लिया. गौहर ने अपने कितने एनकाउंटर्स का आपको बताया हुआ है? किस तरह के एनकाउंटर? प्यू प्यू. इस तरह के राज की बात नहीं करते हम. हम बहुत अच्छे दोस्त हैं. अच्छा, एक या दो या तीन का बताया हुआ है या एक का बताया नहीं हुआ या है ही नहीं? मतलब मुझे could you repeat the question? सवाल की समझ नहीं आई मुझे. मुझे सवाल की समझ मैं तो आज ही पैदा हुई हूँ. मैं सवाल की समझ नहीं आई. शूटिंग एनकाउंटर्स. शिकारी है ना, जाता है. नहीं, शिकार नहीं करते. He doesn't believe in that stuff.
शिकार तो नहीं सवाल नहीं था मेरा सवाल कुछ और था शूटिंग दिस ये ही वर्क्ड कितने ड्रामे पे काम किया आपने इस साल शूटिंग एनकाउंटर्स एक दो 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 बस दो का बताया कुबरा को हां दो ड्रामे शूटिंग एनकाउंटर्स का नहीं बताया हुआ अभी आगे आएंगे तो फिर वो पता चलेगा सबको ये लो यार मैं को ले जाने के इस बात का कोई मतलब और मकसद नहीं था लेकिन फिर भी हमने कर दिया क्वेश्चन का भी नहीं था इसलिए ये करना पड़ा हां ठीक है गौर राज अपना बता दो जो लोगों को नहीं पता हां क्यों मैं बताऊं राज ने ये नहीं बनाते फिर कुबरा वाला खाएंगे सारे बैठ के क्या क्या पूछे कुछ इस तरह नहीं ऑन टॉप ऑफ माय माइंड नहीं याद आते ना यार क्या मैं आज सोच कर आया था कि आज मैं एक्शन के शो पे सारे राज बताऊंगा अपने ये राज बता दें कि ये राज बता दें कि मेरी जुराबों से बिल्कुल बू नहीं आती बिल्कुल नहीं आती ये ऐसा ही राज है ना मैं मिसाल दे रहा हूँ ना नहीं नहीं बिल्कुल नहीं आती आप ये राज बता दें कि मैं कपड़े इस डिजाइनर के एक राज बताऊं हाँ जो लड़के जॉनी ब्रावो वाला हेयर स्टाइल बनाते हैं आई थिंक इट्स हाई टाइम दैट दे शुड कंसीडर सम अदर हेयर स्टाइल ये किसको देख के बोला मैंने 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 किसी को नहीं ठीक है क्योंकि मेरे सेट पे जिस सेट पे मैं जिस ड्रामे की शूटिंग कर रहा हूँ मैं उसकी बात कर रहा हूँ Any person in India? हाँ ये कोई राज नहीं क्या चाहिए क्या चाहिए था? He I mean he goes with that Johnny Bravo. चाहिए No. मुझे condensed milk. चाहिए क्या? Condensed milk. Please, thank you. No. Thank you. ये सब कुछ मिल गया या नहीं मिला? क्रीम रहेगी कुबरा? मुझे क्रीम चाहिए please. यार ये मैं तो नहीं बना सकता बस ये खा लेंगे. कुबरा आखिरी बात. क्या मतलब? Come on man. यार I don't know how to make it. Dude. I absolutely have no idea. कुबरा आखिरी बात. आखिरी बात क्या? पूछिए. आखिरी बात नहीं आप बताएं. अपने बारे में इनके बारे में अपने बारे में ठीक है ओके. वो तो अपने बारे में ही बता सका कोई. हाँ. मैंने बताया तो अपने बारे में. मैं क्या करूँ? I mean, राज इतने कोई ऐसा नहीं है okay, yeah, I mean, I, जब मैं काम नहीं कर रही होती तो मैं मतलब जरूरत से ज्यादा हद से ज्यादा वो नहीं होता गलत वाला टाइम वेस्ट करती हूँ नॉट वेस्ट नहीं सॉरी इन्वेस्ट करती हूँ जब मैं वीडियो गेम खेल रही होती हूँ लाइक आई कैन गो फ्रॉम 10 पीएम टू 9 एएम जस्ट प्लेइंग वीडियो गेम सारी रात सुबह तक सारी रात मतलब ग्रेड्स करवा लें या व्हाटएवर इट इज लाइक हम ग्रुप होते हैं हेडफोन लगा के सारे फुल गेमिंग Wow, yeah, that's impressive. ये तो आजकल जो यंग बॉयज है ना छोटे छोटे वो कर रहे होते हैं नहीं नहीं हमारी इंडस्ट्री काफी लोग हैं एक्चुअली वी हैव ऑल ऑफ यू टुगेदर ग्रुप यस कुबरा का जो मेन्यू है वो कंप्लीट हुआ सॉरी इंग्रेडिएंट्स आई मेंट मिस्टर मिस्टर क्या राज बताऊं कूल डूड मिस्टर कूल डूड कह दिया अच्छा एहसास है यार बिल्कुल अच्छा एहसास अब क्या बताएंगे आप अब क्या करना चाहेंगे नेक्स्ट बात आप क्या क्या पूछ रहे एनीथिंग दैट पीपल डोंट नो अबाउट यू और कुबरा एनीथिंग दैट पीपल डोंट नो अबाउट यू एंड कुबरा आई जस्ट सेड यू एंड कुबरा एंड यू वर टेलिंग मी अबाउट सो मेनी अदर पीपल क्या बोलूं मैं नाइस कुबरा गुड यार अरे कोई ऐसी बात तुम्हारे बारे में गौर जो नहीं पता लोगों को जो नहीं पता लोगों जॉनी ब्रावो मेरा हेयर स्टाइल जॉनी ब्रावो से वेरी नाइस यार बहुत आला मैं टेस्ट करके बता दो एक चीज रह गई है नहीं डाली है डाली है हां ऑफ कोर्स बट यू वांट मोर जस्ट फॉर द कलर इट्स एक्चुअली नाइस अच्छा गौर थैंक यू मैंने बनाया और आखिर बताना जरूरी क्योंकि हमारे शो का फॉर्मेट है यार अच्छा राज ये है कि क्या राज नहीं आ रहा भाई मार्क्स काट लेना कुबरा जीत गई खत्म मैं आम खा रहा हूँ हाँ अबाउट हिम क्या बोरिंग राज नहीं है ये कोई राज नहीं है ये कोई लेकिन उसको मिलेगा फिर Okay, then you owe me one. Raz nahi hai koi, lekin he's got a little puppy. Uska naam Barfi hai. Aur jab se Barfi Gohar ki zindagi mein aaya hai, Gohar is like,
completely like baap wala behavior, like you know, bachchon ki tarah sabse baat karta hai, and I'm like आप बड़े हो गए, मैं छोटा हो, मैंने वो ये क्रीम ले लें आप. नहीं नहीं मैंगो वैसी बहुत अच्छा. इसके लिए ब्रेक पे खाना मंगवा दे प्लीज. अच्छा साहब यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए. एक नेक्स्ट गेम है जो बहुत इंटरेस्टिंग है, जनरल नॉलेज की बात कर रहा था. दोनों से सवाल करेंगे और देखेंगे कौन जवाब दे सकता है ज्यादा. हमारे साथ रहिए, देखते रहिए टाइम आउट विद अहसन खान. Welcome back to Time Out with Ahsan Khan. मैंने सोचा अगर तेज बोलने में समझ नहीं आया तो आहिस्ता बोलो, लोगों को ज्यादा समझ आएगा. छुट्टी बंद, क्या लिखा हुआ है? छुट्टी बंद. ये हमारा सिर्फ सेगमेंट का नाम है. छुट्टी आपकी बंद नहीं है, खुली हुई है. इसमें आपको सवालों का जवाब देना है. जनरल नॉलेज कुबरा, और मुझे यकीन है कुबरा को तो बहुत ज्यादा आते होंगे, और गौहर को उससे भी ज्यादा आते होंगे. नहीं, मुझे बिल्कुल कोई शौक नहीं. Like general knowledge नहीं, बिल्कुल नहीं. Come on man, I know you're just saying it. Even if it's okay, कभी कभी ऐसी revision होती है, मैं निदा और यासिर आए हुए, तो मैंने उन्होंने इतने अच्छे सवालों के जवाब दिए, तो मैंने सोचा इन्होंने तो script पढ़ लिया यार कहीं से. वो कभी कभी ऐसा होता है कि वो बच्चों को क्योंकि पढ़ा रहे होते हैं पेरेंट्स, तो जो पुरानी बात आपने सुनी भी होती है ना, तो वो रिपीट हो जाती है. और अगर आप जवाब नहीं दे पाएंगे तो कोई बात नहीं, हमारे पास उसका हल है. वो हल इसके अंदर है, बाद हम सारे अजूबे बने होंगे. ट्रेजर बॉक्स में हल है. तो पहले सवाल के लिए तैयार हैं आप लोग? जी. गौर से सुनेगा, स्क्रीन पे सवाल लिखा हुआ भी आएगा सामने. द क्वेश्चन इज, ऑन विच रिवर द मेरानी डैम वॉज कंस्ट्रक्टेड? आई विल गिव यू ऑप्शंस. ओके. कोमल रिवर, दश्त रिवर एंड काबुल रिवर. द मेरानी डैम. The, which one was the options there? Komal River. Dasht River. Okay. Dasht River. He's right. Kubra. Kya? Kubra, choose the number, yaar. I'll go for number. I tried my best, Kubra. I know. Keep trying. Kya, you were like helping her out. No, he was telling the questions easily. Yeah, easier way mein aaram se time de raha tha. 7, sure. Please. Number 7, Kubra ke paas jayega. Number main kyun choose karunga? Joker cap. Acha, okay. So she'll wear a Joker cap, okay, nice. Yeah, suits you. That's actually not a Joker cap, but okay. Yeah, that's actually not a Joker cap. I prefer that one. Yeah. I definitely prefer the Union Jack right now. Yeah? So. Ish. So cute. So nice. So cute. See, the point is you still look so cute. Thank you. Okay, next question. Gosh, suniga. Options bhi gosh, suniga. The highway which connects China and Pakistan is, the options are Grand Trunk Road, Karakoram Highway, Makran Coastal Highway. Karakoram. That I know as well. Isn't it Karakoram? Replay it. ये तो बायस रहेगा दिन इंसान कसम से. इतना बायस. गौर ने भी जवाब दिया था उसी वक्त. हाँ, दोनों ने दे दिया जवाब यार. हाँ, कोई नंबर चूज नहीं करेगा. गुड. दोनों एक साथ बोले हैं. हाँ. हाँ, ऑनेस्टी का नंबर. ओके, कूल, वेरी नाइस. इजी क्वेश्चन नेक्स्ट. डेंगू फीवर
डेंगी फीवर. डेंगी फीवर इज डायग्नोज विद, द ऑप्शंस आर लो प्लेटलेट काउंट, हाई प्लेटलेट काउंट एंड नन ऑफ द अबव. लो. Oh, hi. Low. Say it again. Say it again. Say low, it again. Low, low. Hi, hi, hi. Low. Hi. Low. Hi. She's right. Hi. She's right. I had dengue. She's right. She's right. She's right. Dairy fever. Yeah. Diagnosed hoga agar aapke high platelets honge. चलने लाइन दे भाई क्या. I had dengue 4 years ago. You had dairy fever. लाहौर जाके हो गया. चूज करें वहीं जाके मुझे सब कुछ हो गया. चूज करें कोविड भी डेंगू भी है ना. वन कर ले नंबर वन. हम तो कोई और नंबर चूज ही नहीं कर सकते. क्या पहना है. सेंटा बियर्ड मार मार अच्छी वाली है. अच्छा चल. Next question. हो गया. Merry Christmas. Nice, cool. Merry Christmas. Okay, tricky question. Okay. When did PTV start its colored transmission? Colored. Colored. Not difficult. 1974, 1975, या 1976. 74. And you didn't even help me in this one. exactly. भाई पेन के रखना थोड़ा सा. यार शॉर्ट्स बन रहे ना. अच्छे अच्छे ऐसे थोड़ी काबू आता है यार. ये नंबर नंबर दे दें यार. 5. Bow hair band. Cute. Looks like Minnie Mouse. Nice. It looks like Minnie Mouse. Yeah. Light bhi chalti hai. Okay, cool. Nice. Diamond is made from which element? The options are carbon, gold or silver. Gold and silver. Carbon or gold or silver. Carbon. Carbon. Of course. Yeah. Of course. I worked with a diamond specialist as well. नंबर चूज कीजिएगा. नो आई डिड. यार मुझे लग रहा है मेरे भाई को सांस दिया तो यहाँ पे कर ले यार. हाँ यार बेहतर. यार सेवन और सेवन दे. सेवन हो गया. एट दे. दे That was very easy. I told you. Nah. Not bad at all. क्या ना क्या है. रेड दुपट्टा. और कुछ रह गए. कूल लग रहा है यार. वो तो सारी बात. अच्छा ये ही के ही इज कैरिंग इट ऑफ द रेड चादर एंड व्हाइट साड़ी. इट्स अ बियर्ड आउट. बट कूल लग रहा है यार. बियर्ड आउट. बियर्ड आउट. ओके ओके. बियर्ड ना खराब हो जाए. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन गौर से सुने. Very easy. Options हैं पेशावर, फैसलाबाद या हैदराबाद. अब सवाल करता हूँ. Options हैं पेशावर, हैदराबाद या फैसलाबाद. The city of textiles is हैदराबाद. फैसलाबाद. दोनों ने सही जवाब दिया. फैसलाबाद. दोनों ने दिया सही यार. दोनों ने सही कुछ और ही बना दे. नहीं कुछ ही मिलेगा. नहीं मैं मिस कर रहा हूँ. अब शॉक पड़ गया. मैंने सारा ये पहले सारा ट्रेजर बॉक्स में है. अगला अगला. ओके ट्रिकी. द पीएएफ पाकिस्तान एयर फोर्स स्टार्टेड इंट्रोड्यूसिंग फीमेल पायलट्स इन 2004, 2005 या 2006. सिक्स फोर सिक्स. I would have answered, but you responded already. I
was going to say 6 as well. Aise. Oh, really? But you didn't say it. Kubra, just choose a number. Ab har dafa escape nahi bhai usko char paas ha 10 rupaye ke turtre de do kya hai 10 rupaye ke turtre 10 rupaye ke yaar mazak knows ha to main samajh lena ha ko koi to अच्छी तरह तस्वीरें खींचो साफ सो क्यों सो डाइव कूल ओके दिस इज सेकंड लास्ट क्वेश्चन ओके लास्ट क्वेश्चन में ये हो सकता है कि यू कैन टेक वन थिंग ऑफ इफ यू गिव द राइट आंसर बट दिस इज सेकंड लास्ट ओके ओके यू कैन ब्रीद नाउ थैंक यू इजी इजी गौर सुनिएगा व्हिच कंट्री इज सिचुएटेड बिलो सी लेवल से बहुत नीचे एक मुल्क है मैं नाम लूंगा न्यूजीलैंड Netherlands, Australia. Australia? New Zealand? Site. Okay, you said New Zealand and you said Australia. Dono ka jawab galat hai. Oh. Netherlands. Holland. Jahan Holland. Oh. Amsterdam. Never Holland. Mind. You should be knowing I that. I should have known that. See? I should have known that. Number choose kijiye. Dono? Dono, of course. Number choose. Number six. Six. I'll go for 3. Kya hai? Maaf kiya. What? Are wah. 3 please. Okay, devil hair. Devil hair band. So shall I take this off? Your choice. Seeing the red dating, like is it? Definitely, you know it's me. Guys, very nice. ये गौर से देख लीजिए हमारे amazing superstars, amazing friends are brilliant. They're looking amazing. You guys are looking amazing. Kubra, this really suits you. Try this out. Have you ever tried this? Have you ever tried this out? Try the halo. It's gonna go with my me. It doesn't right now. See, it doesn't. 249 में लेकिन जो गौहर का ये उस वक्त से लाइटें मार रहा है ना ये ब्रिलियंट लग रहा है वेरी नाइस वेरी वेल प्लेड गाइस थैंक यू सो मच आगे बढ़ेंगे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हमारे साथ रहिए देखते रहिए टाइम आउट विद एहसन खान वेलकम बैक टू टाइम आउट विद एहसन खान और मेरे साथ मौजूद हैं कुबरा और गौहर और जो सेगमेंट है उसका नाम है दिल खोल के इसलिए कि हाँ ये बिल्कुल ऐसे कैसे? बंद करके चाबी फेंकी मैंने खुले दिल वो इसलिए कि इसमें कोई नाम निकलेगा कोई गाना निकलेगा और आप जो है हसब जायका कुछ भी कर दीजिएगा हसब तौफीक आप पहले आप या पहले आप लेडीज फर्स्ट धड़क भड़क लगाओ यार क्या कुबरा किस्मत पाई है ये गाना कुबरा के आते ही गाना खुल गया कौन सा गाना है धड़क भड़क सुना बड़ी अच्छी मेमोरीज है धड़क भड़क की हाँ यू एंजॉयड सॉन्ग
करके कर रही थी, I was like, क्या है? एक शख्स ऐसे बन के बैठा है जैसे कभी डांस का नाम ही नहीं लिया इसने. नहीं नहीं, मैंने आखिरी दफा अहसन भाई की शादी में डांस किया. हर मेहंदी शादी में सबसे आगे आगे होता है ये. हाँ, अब ऐसे बाबू बन गया बाबू अचानक से. क्या है ये चांद नवाब? क्या अब मैं चांद नवाब की नकल उतारू? चांद नवाब ये फिर आगे से गुजरिएगा अभी जरा. चांद नवाब की नकल के क्या कहा था उन्होंने कि कराची से आने वाली ट्रेन के मुसाफिर अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए अपने अपने घरों पे जा रहे हैं, तो बराहे मेहरबानी आप लोग सब साइड पे. कितना कूल था यार ये. कुछ चीजें ऐसी वायरल हो जाती है फॉर नो रीजन. एग्जैक्टली फॉर नो रीजन. सारी उठानी है, एक उठानी है कुबरा. दोस्त है हमारा सबका यार हमजा बासी. I want to wish Hamza Ali Abbasi best of luck for the book he's writing and I hope that it does wonders. Cool. Sahil Vidayat sahab, aaj Ahsan Khan itne jo tandurust lag rahe hain. माशाल्लाह से लगता है आपकी डाइट बहुत अच्छी है, तो खाने में क्या खाना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? क्या बात है, बहुत अच्छी. इतना पढ़ा लिखा आदमी, इतना नॉलेज वाला आदमी कि मैं हैरान हो गया उनको मिलके. जब अभी मेरा उन्होंने इंटरव्यू किया, इट वॉज amazing, honestly. Yeah? Yes. Reema. Okay, Reema ji ke baare mein, actually kuch kehna chahungi ki I had the craziest fan moment. Hum kuch saal pehle ki baat hai, 2018 ki baat hai, hum dono same studio mein dubbing karwane gaye the. Mujhe yaad hai, main dubbing karwa ke bahar nikli aur wo khadi hui thi wahan pe, Nadeem bhai se baat kar rahi thi. All I remember ke unke baal bandhe hue the, theek hai? She had her hair tied up like that and unne pony kholi hai apne aur aise ki hai and I swear woh nahi hota ek ladki bas trance mein chali jati hai, unke baal aise lusciously move ho rahe hain, like background music chal raha hoga, like my our ek aur friend hamara musaddiq, hum dono ek dusre ko dekhne like literally, I mean, she's so beautiful, she's and so graceful. Yeah, she is. And she is, yeah, she is, I love her to bits. So, yeah. Nobody like her. She's gorgeous. Yeah, nobody like her. Literally, gorgeous, literally. Gorgeous. आखिरी बची? नहीं. यार कल्लू के लौंडा हो गया. कल्लू के बोले लौंडा हो गया. हो गया. गौहर का गाना कल्लू के लौंडा हो गया. यार क्या गाना है कुबरा, क्या गाना है. चलाओ गाना. धोबी तो कपड़े धो गया कल्लू के लौंडा हो गया. आज गौहर उठ क्यों नहीं अपनी जगह से? गौहर जब बैठ जाता तो फिर बैठ जाता है. वो कितने हैं अभी? दो तो नहीं आगे. पहले तो कभी कभी गम था. टंग टंग टंग. गाना गाना है. क्या करने का? Then we can all three sing together. Okay. चल. तो शुरू कर दे. पहले तो कभी कभी गम था. अब तो हर पल ही तेरी याद सताती है. अब तो हर पल ही तेरी याद सताती है. इसे आगे नहीं आता. इसे आगे नहीं. आगे नहीं आता. आगे नहीं आता. आगे नहीं आता. आता होता मैं गा लेता. अच्छा जनाब, मेरे ख्याल अब बेहतर ये है
कि मेरे गेस्ट जो हैं वो मज़ीद परेशान हो, तो क्योंकि हमारा टाइम ओवर हो गया, तो इसलिए मैं मज़ीद खेल नहीं सकता अब ये जो गेम है हमारी, बिकॉज टाइम इज अप एंड आई कैन एक्चुअली सी दैट द टाइम इज अप, क्योंकि मैं चाहता था गौहर उठ के एंड में तो वहाँ पे आए. क्यों? क्योंकि वो एंड में आना होता है वहाँ पे. यार नहीं यार, मैं तो बहुत कंफर्टेबल हूँ. कभी कभी अनकंफर्टेबल भी हो जाना चाहिए इंसान को. आप इतना कर रहे हैं मुझे. प्लीज गो भाई, चल आओ यार, वहां तक चलते हैं. ऐसे मैं अभी प्रोग्राम खत्म होने के बाद चलूंगा ना. हाँ ठीक है. थैंक यू वेरी मच गौर, प्लेजर फॉर कमिंग. प्लेजर. हिल क्यों नहीं अपनी जगह से? यार मजाक कर रहे हो यार. बट गॉड थैंक यू वेरी मच. हाँ और कुछ? Thank you for coming, man. Kidding, yaar. Kubra, thank you so much. Thank you for having All us. All the luck for everything that you're doing in thank future. Thank you. Thank you Your so personal much. Life, your thank work, you. Thank you. Everything. Thank you. And looking forward to, inshallah, seeing you soon. Bahut bade bade maze maze ke plays mein. Inshallah. Mein. Gohar, all the luck to you. Thank you. I think you need to work more. I mean, bahut kaam karte hain aap. MashaAllah, har jagah nazar aate hain. Lekin aur, kyunki जब अच्छे एक्टर्स और अच्छे अच्छे लोग जब काम करते हैं, उसका एक फायदा होता है कि जो टैलेंटेड लोग होते हैं उनके हिस्से में काम रहता है. कभी कभी जब बहुत से अच्छे लोग पीछे हटते हैं तो बहुत से एवरेज लोगों को जगह मिल जाती है. व्हाट आई फील दैट एवरीवन नीड्स अ चांस, एवरीवन शुड वर्क, एवरीवन शुड बी देयर, बट अच्छे लोगों को ज्यादा काम करना चाहिए क्योंकि वी मिस आउट ऑन सो मच. मैं कभी कभी अपने अच्छे डायरेक्टर्स को बैठ के कहता हूँ कि यार आप लोग दो दो साल एक फिल्म पे लगा रहे हैं लेकिन हम टीवी के ड्रामों, अच्छे ड्रामों से महरूम हो गए, हम बहुत सी चीज़ों से. तो इसलिए बहुत से अच्छे एक्टर्स जो हैं जब वो ज्यादा नजर आते हैं. कुबरा जब मुझे हर ड्रामे दूसरे में नजर आएगी तो मैं तो हर ड्रामा देखूंगा लगा. कुबरा खान आ रही है, वाह यार. तो ये बात है. यू गेट द पॉइंट? या इन अ गुड वे. या गॉड थैंक यू वंस अगेन गाइस. आप कुबरा, व्हाट हैपेंड? नो, आई एम जस्ट लुकिंग एट यू गाइस. कुबरा थैंक यू. थैंक यू फॉर हैविंग अस. इट्स बीन अ लॉट ऑफ फन. Pleasure, pleasure, Kubra. मुझे ये बताएं जाते जाते एक बात अपने फैंस से. इफ यू वांट टू से समथिंग, पीपल हु लाइक यू, हु फॉलो यू, हु वॉच यू, हु ऑलवेज लाइक इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं और कमेंट्स करते हैं, उनको कुछ कहना चाहती हूँ, क्या बोलोगे? एक्चुअली मैं कहना चाहती हूँ कि जैसे आपने कहा कि मैं दो साल से काम नहीं किया, मैंने ड्रामे पे स्क्रीन पे नहीं आई मैं, हालांकि वी वर वर्किंग. यूजली क्या होता है कि हमारी इंडस्ट्री में इट्स यू नो इफ यू आर नॉट सीन यू आर फॉरगॉटन. लेकिन जो मेरे फैंस हैं, जो एक्चुअली जेन्युइनली डे वन से वहाँ पे हैं, उन्होंने एक दिन भी मुझे ऐसे महसूस नहीं होने दिया कि आई एम फॉरगॉटन. सो आई वांट टू से थैंक यू सो मच टू ईच एंड एवरी सेकंड वन ऑफ योर सिंगल वन ऑफ योर लव एंड सपोर्ट एंड ऑल द कुबेरियंस आउट देयर. आई एक्चुअली जेन्युइनली लव यू अ लॉट. थैंक यू सो मच. वंडरफुल वंडरफुल कुबरा. गौहर, अपने चाहने वालों को, प्यार करने वालों को, जो लोग देखते हैं, फॉलो करते हैं, पसंद करते हैं, उनको कुछ अगर कहना चाहते हो तो क्या कहोगे? मैं सिर्फ शुक्रिया ही कहना चाहता हूँ उन लोगों का कि बस इसी तरीके से दुआओं में याद रखिएगा और प्यार करते रहिएगा. बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों. थैंक यू सो मच गाइज, आई विल सी यू नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह. देखते रहिए टाइम आउट विद एहसन खान. गुड बाय, टेक केयर.